बतख बनाएंगे हम। कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले दो सर्कल लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक सर्कल हमने यहाँ पे लगा दिया, एक सर्कल इसी के सेम, ध्यान रखना इसके लगभग यहाँ से इसी के साथ, यहाँ जैसे हमने थोड़ी सी दूरी पर हमने इसको अंडाकार में लगाना है, ऐसे सर्कल लंबा जितना हमने उसका शरीर बनाना है लगभग उसके आकार का होना चाहिए, हमें लगता है इतना का काफ़ी है, ठीक है। इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, ये आइडिया होता है कि भैया हमने इतना बड़ा तो बनाना ही है, तब लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से हम सीधा इसको कहाँ पे मिलाएंगे, गोलाई में, सीधा यहाँ पे, देखो इस तरह से, ठीक है। ये जो हमने बनाया है इसी को हमने लगभग यहाँ से अंदर जा रहा है ना, तो यहीं से हमने इसको मोड़ देना है ऐसे, और यहाँ से पतला रहेगा और नीचे से मोटा होता जाएगा, ठीक है। गर्दन नीचे से मोटी होती जाएगी ऐसे, ठीक है, देखो इस तरह से, ठीक है, यहाँ से मोटी होती जाएगी और ऐसे, और इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। तो इसकी सीधी ऊपर से तो बिल्कुल सीधी रहेगी ऐसे, ये ऐसे रहती है, ठीक है, और नीचे से ऐसे होती है, ये ध्यान रखना है, डक की चोंच ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होगी वो, ऐसे डक की चोंच ऐसे होगी, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे आपने डक की आइज बनानी है इस तरह से, ठीक है, ये आइज है सेंटर पे, यहाँ पे आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं जो डक के होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुलाई देंगे इसको इस तरह से, और यहाँ से भी हम गुलाई देंगे और इसको हम सही कर देंगे, ठीक है, ये हो गया एकदम से सही। अब ध्यान दो, अब यहाँ से हमने ये सर्कल लगाया था तो इसको हम यहीं से बना देते हैं लगभग हाफ जैसे से, तो इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे और अंदर को डालेंगे ऐसे इस तरह से, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम डाउन में, और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे और अंदर कर ले जाएंगे, फिर यहाँ से भी फिर डाउन जाएंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे इसको ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, बाकी इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर दिखेगा हमें, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से हमने वाटर शो करना है, और यहाँ भी हमने वाटर ही शो करना है हाफ में ऐसे करके, जो ये है नीचे वाला हिस्सा इसका हम इरेज कर देंगे, ठीक, वो पानी में है ना हाफ, आधा वो पानी में है तो आधा हमें ऊपर दिख रहा है, तो तब हमें वो यहाँ से इतना ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, बाकी जो ये बचता है इसको हम और तरीके से करेंगे थोड़ा सा। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये जो है पंख हो सकते हैं, मैंने यहाँ तक बनाया, तो अब आपने इसको तैयार करना है और कलर करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। और इस पॉइंट को भी आप इरेज करते हैं ताकि ये सुंदर दिखे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो चोंच है इसको जो आप रेड करेंगे, रेड कलर है मेरे पास तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से डार्क अंदर की तरफ को हल्का फिर, ठीक है, ऐसे नीचे से भी थोड़ा सा डार्क और अंदर को थोड़ा सा हल्का ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थोड़ा सा येलो लगाएंगे इसी के ऊपर, ये
बार की तरफ को और इसको येलो करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से करना थोड़ा सा शुरू कर देंगे, हल्का, बिल्कुल हल्का पिंक। आप स्किनी भी ले सकते हैं, हम जो है पिंक ले रहे हैं और उसको बिल्कुल हल्का कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से साइड साइड से और बाकी बिल्कुल हल्का बार थोड़ा सा हमने दबा के लगा दिया, बाकी हल्का कर दिया, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा पिंक कर देते हैं, इसको भी हमने पिंक कर दिया, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ को हमने थोड़ा सा डार्क करना है क्योंकि यहाँ पे बैक में छाया पड़ेगी तो थोड़ा डार्क दिखेगा, बाकी हल्का दिखेगा, बाकी बिल्कुल हल्का दिखेगा, बाकी बिल्कुल हल्का हल्का, ये साइड भी थोड़ी सी डार्क दिखेगी, ठीक है। अब जो ये है ये भी थोड़े से डार्क दिखेंगे, ऐसे थोड़े से डार्क, ऐसे ये हो गया हमारा काम, समुंदर है, ठीक है। उसको बनाएंगे हम बनाएंगे इस तरह से टोटल हो गया, इस तरह से बना दिया हमने। यहाँ से थोड़ा डार्क करेंगे, यहाँ से भी डार्क करेंगे और इस तरह से ये दिख रहा है हमें। अब इस पे थोड़ा सा हमने क्या करना है, गहरापन देना है, यहाँ से समुद्र की जो होती है वो चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है, वो चीज़ हमें दर्शानी है इसमें। तो हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्कनेस देंगे, ठीक है, इस तरह से दिखा दिया। अब इसके ऊपर हल्का 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 हम समुद्र का कलर दिखाएंगे, समुद्र है, ठीक है। समुद्र है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस दिखेगी इस तरह से, ठीक है। और ये है समुद्र का एरिया है तो हम इसको शो करेंगे इस तरह से, ये एरिया हो गया समुद्र का, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास डक तैयार है और ये समुद्र में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे सभी बच्चे, ओके।